Hello everyone, hope you all are fine and doing good. Welcome back to another video after a long break. So basically NEET में बस 30 दिन ही बचे हैं and life बड़ी ही hectic चल रही है. And तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, syllabus complete है या नहीं, mock test दे रहे हो या नहीं, कितने marks आ रहे हैं एंड ऑल कमेंट्स में जरूर बताना. सो मेरा स्टडी सेशन आज का स्टार्ट हुआ है 10 बजे से एंड मैंने अपने पूरे दिन का टारगेट भी सेट कर लिया है. सो आई एम स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड मैं अपने शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करूँगी. सो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैंने बीच में लिया एक फ्रूट ब्रेक एंड फिर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. तो एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर एंड अभी किसी भी हालत में मार्क्स इंक्रीज करना है, एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर सकते. सो इस टाइम पे मॉक टेस्ट इज रियली इम्पॉर्टेंट, स्पेशली ऑफलाइन मॉक टेस्ट, जिससे हमें अपना वीक एरिया पता चलता है एंड वी कैन वर्क ऑन दैट एंड इम्प्रूव. सो आई हैव दिस बुक फ्रॉम ओसवाल्ड बुक पब्लिकेशन विच कंटेन 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर. इसमें आपको नीट का लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड साथ में माइंड मैप्स निमोनिक्स फॉर ऑल दी 3 सब्जेक्ट. With 10 full mock test paper with proper solution and way mark. So link मैंने description में दे रखा है. So just check it out and you can use NEET30 coupon code to get a 30% off. सो दोनों चैप्टर शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करने के बाद मैंने अपना एनसीईआरटी चैप्टर रीड किया दोनों चैप्टर का एंड बीच बीच में मैंने 5 मिनट का ब्रेक भी लिया था. एंड आई सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल्स. एंड ये सब कंप्लीट करते करते मुझे रात के 9 बज गए. जो चैप्टर आपसे जितना टाइम मांग रहा है आपको उतना टाइम उसको देना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ आपके सर से ऊपर से चला जाएगा. सो आई एम जस्ट गिविंग माई टाइम. सो आफ्टर हैविंग माई डिनर आई स्टार्टेड विथ बायोलॉजी एंड बायो में मैं जब भी पढ़ती हूँ मैं लास्ट के 2 पेज से स्टार्ट करती हूँ चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि मैं जब भी किसी चैप्टर के फर्स्ट पेज से स्टार्ट करती हूँ लास्ट में आते आते मुझे ऐसा लगता है इस चैप्टर को जल्दी अभी ख़त्म करो, इसको छोड़ो, उतना कॉन्सेंट्रेशन से या फिर उतना फोकस नहीं बन पाता लास्ट 2 पेज में स्पेशली. सो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि लास्ट 2 पेज से मैं पहले स्टार्ट करूँ ताकि मेरा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बना रहे उस टॉपिक पे. सो एनसीईआरटी रीड करने के बाद बैच में जो एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइडेड था मैंने उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एंड इसको कम्प्लीट करने में मुझे अराउंड 11 बज गए एंड मैंने बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया एंड आई स्टार्टेड विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
सो उसके लिए मैंने पहले अपना नोट्स रिवाइज किया जो कि है मेरा क्लास नोट, एंड फिर मैंने वन शॉट सीरीज देखी उत्थान बैच में जो कि हितेश सर ये करवा रहे हैं, मैंने उनसे क्लास किया हुआ है। तो वन शॉट इस उत्थान बैच के वन शॉट में सिर्फ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं सर, सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि आप जब टीचर के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उनका क्वेश्चन करने का जो अप्रोच होता है उससे आपको आइडिया होता है कि मुझे भी ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस सीरीज। सो आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड एंड मुझसे आज बस इतना ही हो पाया है, एंड ऑलरेडी तब देर बज चुके थे, सो मैंने सोचा कि बाकी फिजिक्स का जो बचा हुआ है मैं वो कल कर लूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक।